सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्वालियर पीजेस में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं जो कि झांसी से तशरीफ़ लेके आए हैं हमारे टीपू भाई की छत पर, और आज उनका इस्तकबाल कर रहे हैं टीपू भाई। जो अभी अपनी जो उड़ान हुई थी उसमें टीपू भाई का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था, तो उसके चलते आज टीपू भाई ने उस्ताद को इन्वाइट किया था अपने घर पर, और उस्ताद आए हुए हैं और टीपू भाई अब स्वागत करेंगे उनका। ये अज्जी उस्ताद का स्वागत करा है टीपू भाई ने। ये पगड़ी पहनाई गई टीपू भाई के द्वारा अज्जी उस्ताद को, बहुत शानदार। और जो अज्जी उस्ताद के खेल के लोग हैं और सब झांसी से आए हैं, आपको तारुफ कराते हैं उनका। और ये सुरेंद्र भाई हैं, ये हमारे खेल के खलीफा हैं सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र शाह। ये मंगल भैया, ये मंगल भैया हैं, ये मंगल सिंह, ये हमारे खेल के खलीफा हैं। खड़े हो, ये मंगल भैया का स्वागत करते हुए टीपू भाई। और ये सुधीर भैया का पगड़ी से स्वागत करते हुए, बहुत शानदार। और ये मंगल भैया का पगड़ी से स्वागत करते हुए टीपू भाई हमारे, बहुत शानदार। ऐसी डाल दो बस। और एक सॉल से उस्ताद जी का स्वागत करते हुए, बेहद खूबसूरत। और एक ये नोटों का हार उस्ताद के लिए, बेहद ही प्यारा सम्मान चल रहा है, प्यार मोहब्बत का। ये देखें आप। और उस्ताद जी को एक सूट और एक डिब्बा मिठाई का, ये मुंह मीठा कराते हुए टीपू भाई हमारे। और ये हमारे खेल के खलीफा सुधीर भैया, सुरेंद्र साहू, सुरेंद्र साहू भैया, जिनका एक सॉल से स्वागत करते हुए। और ये मंगल भैया हमारे। ये नफीस भाई हमारे, उस्ताद के छोटे भाई हैं नफीस भाई। ये भी उस्ताद के छोटे भाई हैं। ये इरफान भाई उस्ताद का स्वागत करते हुए। बैक कैमरे से ये हमारे मोहसिन भाई हैं। ये मोहसिन भाई उस्ताद साहब का स्वागत कर रहे हैं। ये अपने खेल के जो भी खिलाड़ी हैं वो सब उस्ताद का सम्मान कर रहे हैं। और ये हमारे वही सम्मान करते हैं उस्ताद का। ये हमारे मोनू भाई हैं, ये टीपू के चाचा के लड़के हैं, उनका बहुत मेहनत करी टीपू साथ में। अच्छा अच्छा। हां कबूतर उड़ाने में पड़के काम थोड़ा मैंने दी, टीम बन के ही कामयाबी मिलती है। और जो हमारे हरे भाई हैं मोनू कुछ नहीं कर सकते, जबकि मोनू के साथ टीम लगेगी तभी काम। हमारे टीपू भाई का ही सम्मान करा भाई। और ये हमारे हरे भाई हैं, फैंसी कबूतर पालते हैं। सॉरी, ये फैंसी कबूतर पालते हैं, इनकी वीडियो बनाई अपन हरे भाई ने। कबूतर पाले इनको भी अच्छा शौक है कबूतरों का। और स्वागत सबका हो गया। और जानते कुछ अभी जो उस्ताद साहब से, जी उस्ताद साहब आप कब से अपने टीपू भाई के उस्ताद हैं, जब कितना वक्त हो गया आपको? टीपू भाई को तो हमारे पास अभी एक ही साल हुआ है टीपू भाई हमारी टीम में अभी एक ही साल पहले आए हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा शौक करके दिखाया उनने, बहुत बढ़िया कबूतर उड़ा के दिखाया और ईमानदारी से बहुत साफ़ सुथरा शौक करा। वैसे उस्ताद साहब शौक तो आप नहीं करवाया इतना शानदार,
आप ही की मेहनत है, आप ही ने जो करवाया, जो अभी तक इनाम लगी सब आप ही की मेहनत से लगी। वैसे देखो मेहनत तो खैर खिलाड़ी ही करता है, उस्ताद का काम होता है उसको मार्गदर्शन करना, बस उस्ताद जो उसको बताता है टिप, अगर वो उस पर अमल करेगा तो इंशाल्लाह वो हमेशा कामयाब ही रहेगा। जी जी उस्ताद साहब ने बहुत अच्छी बात करी है। की होती है उस्ताद, खैर हम तो इधर आए भी नहीं जी जी। लोग ने बहुत अच्छे तरीके से कबूतर तैयार करे और बहुत बढ़िया उड़ा के दिखाए, बहुत अच्छी मेहनत करी है। जो मेहनत करता है वो इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब हो जाता है। कामयाब वही लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं और ईमानदारी से शौक करते हैं। तो ये उस्ताद साहब थे और ये अपने खलीफा हैं इस टीम के, सुरेंद्र साहू भैया, इनसे भी जानते हैं। और भैया आपने अभी मुझे पता चली आप काफ़ी टाइम से शौक नहीं कर रहे थे, तो जी जी इस साल ही आपने शौक करा था? जी हाँ, 4-5 साल बाद मैंने इस बार शौक फिर से शुरू किया है। अच्छा अच्छा, और बढ़िया शौक रहा इस बार हमारा जी। उस्ताद की मेहनत हमारी काफ़ी कामयाब रही है जी, और मेरे शौक में उस्ताद का पूरा सहयोग है हमारा जी। तो आज जो भी है मैं सब उस्ताद के, मैं उससे हूँ जी जी। धन्यवाद, उस्ताद के डायरेक्शन पे चलते रहते हैं तो बेहतर कामयाबी मिलती रहती है। और ये हमारे मंगल भैया, मंगल भैया आप कुछ बताएं भाई के बारे में। मैं तो 6-7 साल बाद 6-7 साल बाद कबूतर उड़ाए हैं जी जी। पहले बहुत उड़ाए, बाजियाँ जितवाई अज्जी उस्ताद ने जी जी। उसके बाद फिर जीतू भाई के यहाँ आ गए थे जी। तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता था जी जी। अब उनको छोड़ के फिर आप वापस आ गए घर, तो हाँ तो फिर हम लोगों का शौक जाग गया, दोबारा शौक कर रहे हैं। हाँ तो इस साल हमने टूर्नामेंट उड़ाए हैं। अच्छा टूर्नामेंट, हाँ इस साल टूर्नामेंट उड़ाए हैं और उस्ताद का हाथ रहा जी। तो टूर्नामेंट की जानकारी दे दें जरा, कितने कबूतर का टूर्नामेंट था? 107 का टूर्नामेंट था, 107 कबूतर। हाँ उसमें हमारे 84 कबूतर पार हुए, पार तो हुए थे 196 हुए थे, उसमें से 84 कबूतर आए थे, 84 कबूतर घर बैठे थे, 669 घंटे बनाए। हाँ 669 घंटे। 31 वाला उड़ाया है तो उसमें सेकंड प्राइज लगी है। अच्छा, और अभी जो 27 वाला टूर्नामेंट उड़ाया है जिन्हें 70 लोगों ने उड़ाया था, अच्छा, उसमें 5वां नंबर है। तो अब और अभी टॉप 10 में वो फिर टूर्नामेंट होगा। अच्छा, जो टॉप खिलाड़ी उसमें से 10 होंगे फिर उसमें से होगा, वो 26 तारीख को होगा, ये 26 नवंबर को, नवंबर में। हाँ इंशाल्लाह बढ़िया प्रदर्शन करेंगे इस बार, इंशाल्लाह फर्स्ट ही आएगी मंगल भैया की। प्रदर्शन कराया मंगल भैया ने, उस्ताद ने इतनी मेहनत करी उस हिसाब से वाकई में काबिल तारीफ़ है। टॉप 5 में आना 70 लोगों में, और अभी भी अब इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो अब इंशाल्लाह ये फर्स्ट पोजीशन ही ले जाएंगे। अब मालिक की दुआ है, उस्ताद का हाथ रहेगा तो सब, अल्लाह ने मेहरबानी करी तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दावा तो कोई चीज़ का नहीं है, मेहनत करेंगे बस। बिल्कुल सही, बाबा शंकर भाई, शंकर है हमारे। अभी इनने 75 कबूतरों की उड़ान उड़ाई थी जी। शंकर भाई बताएं, अभी मैंने 107 का टूर्नामेंट हुआ। अच्छा, तो उसमें मेरे घंटे बने 661 घंटे कुछ मिनट। अच्छा, फिर उसके बाद और 88 कबूतर मेरे घर पे लगे। अच्छा, उसके बाद 31 का टूर्नामेंट हुआ, उसमें मेरी 3री प्राइज है। अच्छा, हाँ, और फिर उसके बाद अभी जो 27 बार मैंने नहीं उड़ाया था। अच्छा अच्छा, हाँ तो और जो बाजी थी मथुरा वालन से, वो अपन ने एक तरफा बाजी जीती है। अच्छा, 75 कबूतरों की थी। 75 कबूतर, क्या रिजल्ट रहा था अपना? उसका 63 कबूतर घर पे आए थे, हाँ उनके कम उड़े थे। अच्छा, उनके 54 कबूतर क्वालिफाइड हुए थे। अच्छा, मतलब एक तरफा जीत, हाँ एक तरफा जीत थी पूरी, हाँ एक बजे ही जीत दे दी थी उनने। अच्छा, एक बजे जीत दे दी थी उनने। हाँ, क्या पूछना भाई? बात नफीस भाई हैं हमारे उस्ताद के छोटे भाई हैं ये, तो आप भी कबूतरबाजी करते हैं? हाँ शौक तो हम करते हैं, और हमारे ख़ानदानी शौक रहा। अच्छा, जो हमारे दादा रहे उनको शौक था, हमारे वालिद साहब उनको शौक था। अच्छा, और हमारे बड़े भाई अज्जी उनको ये शौक है, और साथ में हमको भी ये शौक़ है, और हमारा छोटा भाई सिराज इसको भी ये शौक़ है, और ये हमारा ख़ानदानी शौक़ है, और इसको हम प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाना ही चाहते हैं। आप लोग की सहयोग से, आप लोग की मोहब्बत और जो टीम सपोर्ट होती है, उस टीम सपोर्ट से हम सब आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ईमानदारी को सबसे आगे रखिए, मेहनत अपनी पूरी करिए, जैसे
बिजनेस में आप ईमानदारी से अपनी मेहनत को आगे ले जाने के लिए करते हो, इसी तरह कबूतरबाजी को भी ईमानदारी से लो, उस्ताद का सम्मान के साथ उस्ताद की बात को फॉलो करो, उसी में कामयाबी है। और दूसरी चीज़, जैसे एक टीचर को आप बुलाते हो बच्चों को गाइडेंस करने के लिए, पढ़ाने के लिए, टीचर को देखते हो कि इसमें कुछ कमी है तो बदल देते हो जी। तो उस टीचर को नहीं बदलना चाहिए, बच्चे को देखना चाहिए कि बच्चे में भी हमारे कुछ कमी है जो उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहा है जी। तो कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चों को टीचर से सपोर्ट कराने की कोशिश करें, इसीलिए उस्ताद का भी काम है। कोई कमज़ोर कबूतरबाज है तो उस्ताद का काम ये नहीं कि उसको छोड़ दे जी, जी, उसको उस टीम में लाके खड़ा करे, जो 11 टीमों की प्लेयरों की टीम होती है उसी के बराबर खड़ा करे जी। ये उस्ताद का काम होता है, उसका सपोर्ट करना खिलाड़ी का काम है जी। बाकी जी, और इसी तरीके से लोगों को चाहिए कि आगे बढ़ें और बेहतर शौक करके दिखाएं, ग्वालियर का नाम करें जी। जैसे टीपू ने किया है, आगे सब जो टीम खड़ी है इसी तरह से कोशिश करें टीपू के बराबर आने की और बेहतर काम करें, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। और आइए टीपू भाई से भी कुछ बात कर लें, टीपू भाई से जानते हैं, क्योंकि टीपू भाई ने बड़ा बेहतरीन सम्मान किया उस्ताद का। और आज टीपू भाई से जानते हैं कि टीपू भाई कैसा रहा अभी उड़ानों का रिजल्ट, और जो भी आपके सामने सबके वो तो पता ही है टीपू भाई ने बाजियां बेहतरीन पार करी, और जान लेते टीपू भाई से थोड़ा सा डिटेल में। अभी मैंने 29 अक्टूबर को बाजी उड़ाई, तीन में मेरे 41 कबूतरों की बाजी थी मेरी, उसमें मेरे 36 कबूतर मेरे क्वालिफाइड हुए, उसमें 33 कबूतर मेरे पर्चे पे लगे, तीनों बाजी में जीता हूँ ठीक है। शाम तक हाँ कबूतर अंधेरे तक घर पे लगाए मैंने, और फिर 5 नवंबर में मेरी एक बाजी थी वो मैं एक तरफा पूरी बाजी जीता हूँ, उसमें मैंने 37 कबूतर पार कराए 41 में से, और 28 कबूतर मेरे पर्चे पे लगे, बस कुछ कबूतर मेरे दूसरे दिन आए बच गए थे शाम को बस। मेहनत रही सबकी, और इरशाद भाई की मेरी बहुत मेहनत रही, और मेरा विष्णु है एक भाई उसकी मेहनत रही, और बाकी पूरी टीम की, और बाकी हमारे उस्ताद की दुआ थी बहुत अच्छा। और काफ़ी सहयोग उस्ताद ने हमें बहुत करा, और जो भी आज हमने कामयाबी हासिल करी है कबूतरबाजी में वो सब हमारे उस्ताद की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने रिजल्ट लिया है पहले साल के अंदर वो हमारे सब उस्ताद की वजह से हुआ है। सही है, नहीं तो हमें कोई नहीं जानता था, सिर्फ हमारे उस्ताद की वजह से हमें सब जानते हैं। सही है, एक उस्ताद का हाथ बिल्कुल ऊपर जब से आया टीपू भाई का खेल निखर के आ गया, अलग ही जो लेवल पे एकदम लगातार बाजियां जीतते जा रहे हैं, बेहद ही शानदार रिजल्ट रख दिया, एकदम एक तरफा रिजल्ट चल रहा है अभी तक, ऐसे अभी तक के रिकॉर्ड में इंशाल्लाह चलता भी रहेगा, उस्ताद की दुआएं रहेंगी साथ में। तो बिल्कुल जी जी, और किसी से बात बोलो वीरू भाई से कुछ बात कर लेते हैं। आइए वीरू भाई बताएं कुछ अपने बारे में। मैं क्या बताऊं अपने बारे में, जो कुछ दिया है सब उस्ताद का दिया हुआ कबूतरबाजी में, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाह रहा हूं मैं भी, ईमानदार शौक करूं और अच्छा शौक प्रदर्शन करके दिखाऊं आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को भी अच्छा लगे। और मैं यही गुजारिश करता हूं, जो भी शौकीन शौक करता है ईमानदारी से आगे शौक करता रहे और इस शौक को आगे बढ़ाता रहे। ये हमारे जाकिर भाई हैं झांसी से, जो कि गर्मी में शौक करते जाते हैं, ये गर्मी के शौक। 28 मई को जो टूर्नामेंट हुआ था ग्वालियर का, उसमें थर्ड इनाम लगी हमारी, 15 कबूतर हुए तो उसमें उड़े थे, 15 के पास पूरे बैठे थे, जिसमें हमारे 93 घंटे 36 मिनट बने थे, जिसमें थर्ड इनाम हमारी लगी है ग्वालियर की। उसमें ये भैया गर्मी में उड़ाते हैं पर ना ज़्यादातर, गर्मी का शौक ज़्यादा करते हैं। ठीक ठीक ठीक, और कौन आ रहा है काफ़ी है। ये हमारे टीपू भाई की छत पर हम आए हुए थे, और ये टीपू भाई ने आज जो स्वागत किया आप देख रहे हैं हमारे साथ, बेहद ही शानदार स्वागत हुआ, और टीपू भाई का शौक भी करेंगे अपन वक्त मिलेगा जब। और ये लोग आए हुए हैं जो इनके खेल के लोग हैं, ये इनके खेल के लोग हैं सब, सामने रईस भाई हैं, रहमान भाई हैं, और भी भाई हैं, कंजे भाई हैं, ये सब अपने खेल के लोग हैं है ना। हाँ।